असला एडवर्ड कम के इस ईश्वर है मैं आपको दूंगा राइट क्लिक को कैसे डिसेबल कर सकते हैं ताकि हम जब किसी फोटो पर राइट क्लिक करना चाहते तो ये मीनिंग नहीं आना चाहिए अगर हमारे कंप्यूटर में अगर कोई हमारे किसी फोल्डर पर राइट right क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू नहीं आएगा हमारा राइट क्लिक डिसेबल हो जाएगा ये सब नहीं आएगा तो हमारे कंप्यूटर से कोई फाइल डिलीट भी नहीं कर सकेगा कट को भी पेस्ट आ, कुछ नहीं कर सकेगा तो आपने राइट क्लिक को डिसेबल करने के लिए विंडो प्लस आर टाइप करना है और यहाँ पर टाइप करना है जीपी एडिट डॉट एम एस या फिर यहाँ पर टाइप करना है एडिट ग्रुप पॉलिसी तो ये विंडो ओपन हो जाएगा तो यह विंडो ओपन हो जाने के बाद इस एडमिनिस्ट्रेटिव पर क्लिक करें और इसके बाद इस विंडोज कम्प्यूटर पर क्लिक करें विंडोज कंप्यूटर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस फाइल एक्सप्लोर पर क्लिक करें फाइल एक्सप्लोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करें और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर रिमूव फाइल एक्सप्लोर डिपार्ट कंटेक्ट मिन्यू इस पर डबल क्लिक करना है इस पर डबल क्लिक करने के बाद इस एनेवल पर क्लिक करना है एनेवल पर क्लिक करने के बाद इस अप्लाई पर क्लिक करे और इस ओके okay पर क्लिक करे जब हमने जैसे अप्लाई और ओके पर क्लिक कर लिया तो अभी मैं इस फाइल एक्सप्लोर को ओपन कर लिया और इसके बाद अभी मैं किसी फोन पर राइट क्लिक करना चाहता हूँ इस फोन पर राइट क्लिक करेंगे ये देख मैंने बहुत बार यहाँ पर क्लिक कर लिया लेकिन राइट क्लिक का नहीं

पर क्लिक नहीं, नहीं हो रहा तो यहाँ पर डिलीट का बटन भी नहीं शो हो रहा है तो, तो कोई आपके फोल्डर से चर्चार नहीं कर सकता ओनली आपके फाइल्स को देख सकता है कोई इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकता कोई चल चार्ज नहीं कर सकता अपने किसी में इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता तो उसको वापस इनेबल करने के लिए वापिस विंडो आर टाइप करना है और जीपी एडिट डॉट एम टाइप करना है जीपी एडिट डॉट एमएस करने के बाद इस ओके पर क्लिक करना है और इस लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर इसको ओपन करना है तो इसको ओपन करने के बाद इस एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट इस पर क्लिक करना है और इसके बाद विंडोज इस पर डबल क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर फाइल एक्सप्लोर तो पर डबल क्लिक करना है और इसके बाद नीचे स्क्रोल करना है और नीचे स्क्रोल करने के बाद यहाँ पर रिमूव फाइल एक्सप्लोर डिफॉल्ट कंटेक्ट में इस पर डबल क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर ये है ना हमने अभी इसको कर था तो डिसेबल पर क्लिक और इसके बाद इसे अप्लाई पर क्लिक करें और ओके पर क्लिक करें अभी मैं किसी फाइल पर राइट क्लिक करना चाहता हूँ की वो उस पर राइट क्लिक हो रहा है या नहीं तो अभी मैं इस पर राइट क्लिक करूँ तो ये देखो यहाँ पर राइट क्लिक हो गया अभी हम यहाँ पर राइट क्लिक कर सकते हैं तो इस तरह से आप अपने राइट क्लिक बटन को डिसेबल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को अगर आपको कंप्यूटर ट्रिक्स एंड टिप्स की के सीरीज में आज का यह ट्रिक पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें जरूर वीडियो बनाऊंगा